मेरा नाम रावत प्रवीण सिंह है। मैं पाली जिले से बिलोंग करता हूँ। हालांकि मेरा गांव रायपुर दीपावास है, जो अब ब्यावर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गया है। मैं पिछले 10 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और 3 सालों से दैनिक भास्कर में हूँ। यहाँ पर मैंने अलग अलग तरह से खबरें की है और अंधविश्वास से जुड़ी और फर्ज से जुड़ी हुई काफ़ी खबरें की है। डाम पे खबरें मैंने 3 साल पहले जब यहाँ भीलवाड़ा में पोस्टेड हुआ था, उसके बाद में डाम की सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे केस देखे हैं और उन पे लगभग मैंने 10 से 15 खबरें की हैं और कई खबरें नेशनल लेवल पे भी गई है, जो उन्हें देखने के बाद दूसरी जगह जहाँ डाम नहीं लगते हैं उन लोगों ने भी आज भी हैरानी महसूस की कि बच्चों के साथ इस तरीके से घटनाएँ होती है। हाँ, प्रशासन का फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जब भी ऐसी खबरें लगती है तो ऊपर के स्तर पे जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो हमेशा इन अधिकारियों से जवाब मांगते हैं और उन्हें बताना भी पड़ता है कि आगे उनकी क्या रहेगी, कि ग्रामीण स्तर पे कैसे जागरूकता लाएंगे। एग्जैक्टली डाम के कुछ एरियो के हिसाब से नाम बदले हुए हैं, कहते डाम ही है, पर सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव है, जैसे अरावली की जो तलहटी है मेवाड़ सबसे ज़्यादा आ जाता है, जैसे पाली का कुछ हिस्सा, कुछ राजसमंद का, कुछ भीलवाड़ा का, उदयपुर का, ये जो आदिवासी एरिया हैं इनमें कनेक्टेड जो सबसे डीप लोग रहते हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनके जब भी बच्चे बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो हॉस्पिटल आने से ज़्यादा महसूस करते हैं कि वहाँ के स्थानीय देवता हैं, या थान कहते हैं, उन स्थानीय देवताओं के पास ले जाकर बच्चे को ठीक करने के लिए वहीं पे भोपे के कहने पे जो लोहे की सरिया होता है उसे, या तार होगा, उसे गर्म करने के बाद उस बच्चे के पेट पे निशान लगाए जाते हैं। इस निशान लगाने से डाम कहते हैं, जिससे बच्चों की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। मैं लगभग मेरे करियर के 10 साल हो गए हैं पत्रकारिता के। इसमें मैंने अलग अलग जगह पाली, उदयपुर, उसके बाद भीलवाड़ा काम किया है, तो वहाँ हर जगह कुछ न कुछ अंधविश्वास को लेके अलग अलग तरीके से माना जाता है। मैं जब भीलवाड़ा 3 साल पहले आया था, तब यहाँ डाम का सबसे ज़्यादा देखा था मैंने बच्चों का। तब से इन डाम के लेके मैं खबरें कर रहा हूँ और इनको डीपली जान भी रहा हूँ। तो कई बार मैंने ऐसी खबरें की है जिसमें बच्चों को, जो लगभग आप मान लीजिए 1 महीने का या 2 महीने का बच्चा, उसे भी लोहे के सरिये से दागा जा रहा है। लगभग हर साल अगर भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ 10 से 12 मौत बच्चों की डाम के कारण होती है। भीलवाड़ा के अलावा आप देख लीजिए, राजसमंद का बहुत बड़ा हिस्सा है, उदयपुर का है, बांसवाड़ा का है, और पाली का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, और लगभग यूं कहे तो अरावली की जो तलहटी के अंदर जो डीप में रह रहे हैं वो लोग सब इस डाम जैसे से प्रभावित हैं। खास कारण इसके पीछे अगर लगभग जाएं तो अशिक्षा ही है सबसे बड़ा। जो ये आज भी वो परंपरागत लोग हैं जो आज भी जंगल में अपना जीवन बिताना चाहते हैं और शहर तक आना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे में उनका जो अंधविश्वास है उनके लोकल जो देवी देवता हैं उन पर ज़्यादा है, और इसी के कारण ये डाम और भी जो अंधविश्वास वाली प्रथाएँ हो रही है, ये सारी अशिक्षा ही महत्वपूर्ण कारण है। हाँ, काफ़ी फर्क आया है। पहले जैसे गवर्नमेंट ने, अब डाम है या और भी अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं, तो उन सब पे कुछ न कुछ तो जोर आजमाइश की है, पुलिस भी सख्ती की है, बाल कल्याण बोर्ड भी कर रहा है। अब चेंज आया है कि अब क्या करते हैं कि भूपे खुद डाम नहीं लगाते हैं, गए भूपे तो उनके जो माँ बाप होते हैं उन्हें ही बता देते हैं। लगभग पिछले 2 साल से आप केस देखिएगा कि डाम लगाने वाले उनके खुद के माँ बाप हैं, वो गए देवी देवता के स्थान पर थे पर डाम उनके माँ बाप ने लगाया। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बाल कल्याण बोर्ड है या जो बाल संरक्षण आयोग है, वह भी उन माँ बाप को सजा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि एज ए गार्जियन उस बच्चे की परवरिश वही माँ बाप करने वाले हैं। ये बहुत बेहतर है ना, राजस्थान में बहुत ज़्यादा ये आवश्यकता भी है कि इस तरह के जो लोग अंधविश्वास में अपने बच्चों को मार रहे हैं या और भी अंधविश्वास हो रहे हैं जिसमें परिवार खो रहे हैं, तो अगर राजस्थानी स्टेट ये चीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं जाके जागरूकता आएगी। समय लगेगा राजस्थान में, जैसे शिक्षा बढ़ेगी उसके साथ, पर ये जागरूकता इसी से आएगी।
जब लोग इसको चीज को समझने लगेंगे। राजू राजू अट्ठे से भागना अच्छा गया, ये पूरे को पूरा केस ही राजू पट्टी के तप्पर। ये सारी की सारी लाश। ट्रेलर बहुत अच्छा है, मैंने देखा है कि एकदम जैसे कि डाम की जो हकीकत है और जो डाम देने के बाद में जो गांव में स्थिति उत्पन्न हो रही है उन चीज़ों को लेके, जिस जो बच्चा मर रहा है तो उसके परिवार पे क्या हो रही है, या कोई बड़ा मर रहा है तो उसके परिवार पे क्या बीत रही है, इस ट्रेलर में मुझे नजर आना है। वेब सीरीज है, इसे देखने के बाद में ये भी होगा कि जो गांव के डीप में रह रहे हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ऐसी घटना होगी तो वो प्रशासन को बहुत जल्दी सूचना देंगे। मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा, जो ये डीप एरिया है जहाँ से सबसे ज्यादा ये आ रहे हैं लोग, तो वहाँ पे शिक्षित वर्ग भी है, बहुत से बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले हैं, टीचर भी वहाँ स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, तो हो सकता है कि उनकी भी एक जिम्मेदारी बने कि उन लोगों को ये समझाए हल्की सी बीमारी में कि हॉस्पिटल जो पास का सेंटर हो सकता है कि वो गरीबी के कारण जिला मुख्यालय पे नहीं आ पा रहे हैं, पर आज के टाइम में गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधाएं दी है कि पंचायत समिति पे भी उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, तो सबसे बेहतर यही होगा अपने बच्चे को वहां ले जाके उपचार कराएं, ना कि इन भोपों के पास में जाए। अभी शुरू करें फ्री ट्रायल, डाउनलोड स्टेज ऐप।